सब्सक्राइब कीजिए ट्रिकी बॉय सीट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, अगर आप कोई सा भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज कर रहे हो और आपके साथ कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई कस्टम जो TWRP रिकवरी होती है फ्लैश करते हो, और फ्लैश करके जब आप रिकवरी मोड में जाते हो तो उसका लैंग्वेज चेंज रहता है, यानी वो इंग्लिश में नहीं रहता है। तो कई सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो कहते हैं कि कैसे उस रिकवरी के लैंग्वेज को चेंज कर पाएं, क्योंकि उसमें जो लैंग्वेज ऑलरेडी आपको मिलता है वो आप समझ नहीं पाते, और कैसे वो आप उसमें काम करोगे बिना लैंग्वेज को समझे हुए, और इसलिए ये सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है, और आप उसमें चेंज भी नहीं कर पाते हो कि कहाँ से आप उसे इंग्लिश जो उसका डिफॉल्ट लैंग्वेज उसे चेंज करोगे। तो ये प्रॉब्लम सभी फोन्स में होती है, चाहे आप सैमसंग के यूजर हो, चाहे आप रेडमी के यूजर हो, चाहे आप वीवो या वन प्लस किसी भी फ़ोन के यूजर हो। कभी कभी कोई ऐसी रिकवरी आ जाती है जो आपके डिवाइस के लिए स्टेबल तो होती है, पर आप उसे जैसे ही फ्लैश करते हो तो उसका लैंग्वेज जो होता है वो इंग्लिश नहीं होता है। पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी भी डिवाइस में अगर रिकवरी फ्लैश कर रहे हो तो उसके रिकवरी में जाने के बाद आप उसका लैंग्वेज इंग्लिश में कैसे चेंज कर सकते हो। तो बस इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हो ट्रिकी बॉय सीट चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये अधिकतर प्रॉब्लम तभी होता है जब आप कोई कस्टम रिकवरी का पुराना वर्जन यूज कर रहे हो, या कोई ऐसा वर्जन यूज कर रहे हो जो कहीं इनडायरेक्टली तरीके से लिया गया है, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट में आपको ऐसे प्रॉब्लम नहीं मिलेंगे, लेकिन कभी कभी लेटेस्ट अपडेट में भी ऐसे प्रॉब्लम आपको मिल जाते हैं जो अदर डिवाइस पे वर्क नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज आपको इसमें बताऊंगा कि आप कैसे लैंग्वेज को चेंज कर पाओगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मेरे पास सैमसंग का J26 डिवाइस है, इसमें मैंने ऑलरेडी TWRP रिकवरी फ्लैश किया हुआ है। अब मुझे क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले तो रिकवरी में जाना है। तो रिकवरी में जाने के लिए पावर की प्लस होम की प्लस और वॉल्यूम अप बटन को एक साथ प्रेस करना है। ये सैमसंग डिवाइस यूजरों के लिए है, अदर डिवाइस का जो प्रोसेस होगा आप गूगल करके चेक कर सकते हो। तो हमें क्या करना है कि तीनों को एक साथ प्रेस करना है, और तीनों को प्रेस करते ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे सैमसंग का लोगो आएगा, और यहाँ पे ऊपर आपको रेड कलर में ये आएगा कि रिकवरी इज नॉट एंड्रॉयड इन्फोर्सिंग। इससे आप चिंता मत करें कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मली आता है और ये आपका रिकवरी ओपन हो जाएगा। और ये आप जैसे कि देख सकते हो कि मैं फोकस क्लियर कर, अगर फोकस बन पा रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो कि ये जो लैंग्वेज है, आई थिंक मुझे भी नहीं पता कि कौन सी लैंग्वेज है, क्योंकि ये आप देख सकते हो कि मैंने फ्लैश किया उसके बाद डायरेक्टली मैंने आपको लाइव यहाँ पे ओपन करके दिखाया, तो ये आपको यहाँ पे लैंग्वेज मिल रहा है। तो आपको सिंपली जब ओपन हो तो आपको एक बार तो ऐसे स्वाइप कर देना है। स्वाइप करने के बाद ये आपका TWRP रिकवरी है जो ऐसे ओपन होके आएगा। तो ओपन होने के बाद से आपको करना क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ। तो आपको जस्ट सिंपली इस वाले ऑप्शन में जाना है, और इस वाले ऑप्शन में जाने के बाद से आपको यहाँ पे लास्ट में एक ग्लोब का आइकन दिखेगा, तो आपको ग्लोब के आइकन पे टैप करना है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको ग्लोब के आइकन पे टैप करना है, और यहाँ पे आपको देख सकते हो कि यहाँ पे कई सारे लैंग्वेज आपको मिल जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो स्पेनिश, टर्किश, और मतलब कई सारे लैंग्वेज आपको मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जस्ट सिंपली बस आपको यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। तो इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के पहले हम ऊपर चेक कर लेते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज है कहाँ, और जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, अरे आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज मिल जाएगा। इंग्लिश पे आपको टैप करना है, और टैप करने के बाद से जस्ट यहाँ पे सिंपली यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इंग्लिश पे टैप करने के बाद से जस्ट आपको सिंपली यहाँ पे अप्लाई करना है, और अप्लाई करते ही आप देख सकते हो कि ये आपका रिकवरी जो है अब नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज में आ गया। अभी आप इस रिकवरी को अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। तो ये मेथड है आपको आपके रिकवरी का लैंग्वेज चेंज करने का, कि अगर आप कोई रिकवरी फ्लैश करते हो और उसका लैंग्वेज इंग्लिश नहीं रहता तो आप उसे किस तरीके से चेंज कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दें, और हमारे वीडियो से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए या इस चैनल के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हमारी शाखाएँ हर जगह पाई जाती हैं। और बस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। सी यू सून।